नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर रजक डिजिटल खान भोपाल से। सबसे पहले तो आप लोगों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे देश को नुकसान हो, आर्थिक या सामाजिक नुकसान हो। इसलिए आप लोग जो भी काम करेंगे इसको समझ कर करेंगे। यदि किसी चीज़ का विरोध करना है आपको, तो उसके लिए शांतिप्रिय तरीके से भी विरोध किया जा सकता है, हिंसक तरीके से विरोध नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग जो भी यदि आपको विरोध करना है या समर्थन करना है, तो शांतिप्रिय तरीके से कीजिएगा। इससे देश का नुकसान ना हो, देश की संपत्ति का नुकसान ना हो और जान माल का हानि ना हो। तो आइए दोस्तों, आज अपने टॉपिक से आते हैं, बताते हैं आपको कि ये जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल जो है आजकल बहुत चल रहा है। आजकल क्या है तो पुराना है ये सप्लाई, परंतु ये बहुत ज़्यादा चल रही है। इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। देखिए, ये जो है अपना, इसमें लिखा हुआ है, ये जो है आपका 32 इंच से लेकर, देखिए इसमें 55 इंच तक के टीवी में ये अच्छे से काम करता है। ये जो है अपना 150 वोल्ट, 200 वोल्ट, 250 वोल्ट और 320 वोल्ट वाट तक का आता है। ये वाटेज है, सॉरी ये वाटेज है, ये वाटेज दिए हुए हैं। ये मॉड्यूल कैसे लगाया जाता है, इसके बहुत सारे कनेक्शन हैं कि इसमें ये सर्किट भी दिया हुआ है यहाँ पर, कैसे लगाया जाता है, इनके पिनों के फंक्शन भी बताए गए हैं क्या कैसा है। तो आज मैं आपको इस मॉड्यूल के बारे में बताऊंगा। ये जो है PFC पावर सप्लाई में ये मॉड्यूल लगाया जाता है। ये किस तरीके से लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, इसके बारे में बताऊँगा। इसमें ये बहुत सारे वायर हैं, तो कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जो पुराने लोग हैं जो काम करते रहते हैं, उनको मालूम है, उनको लगाना आसान है, पर सभी के लिए लगाना आसान नहीं है। पर मैं जो भी बताऊंगा आपको, प्रैक्टिकली बताऊंगा, थ्योरिकली बताऊंगा, पूर्णतः जानकारी दूंगा। ऐसा नहीं कि आपको प्रैक्टिकल इसको लगा के बता दिया, ऐसे काम नहीं चलता है। आपको मैं जो भी चीज़ बताऊंगा, एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा, कैसे लगता है, कौन सा फंक्शन है, कहाँ से क्या काम करता है। तो देखिए, इसमें जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वायर दिए हुए हैं, इतने सारे वायर दिए हुए हैं। और कैसे लगाया जाएगा, तो आइए इसको बताते हैं। सबसे पहले तो इसको लगाने के लिए PFC पावर सप्लाई में जो ये लगाया जाता है, उसमें क्या क्या करना है आपको। सबसे पहले तो देखिएगा, उसमें एक कपलर लगा रहता है, ये वोटो कपलर जो है उसको रिमूव कर देना है, निकाल देना है उसमें से। दूसरी चीज़, उसमें एक IC लगती है, ये जो है PFC आइसोलेटर IC जो है, इसको भी निकाल देना है। उसके बाद यहाँ पर जो MOSFET लगे रहते हैं, इनको भी निकाल देना है। ये दो MOSFET लगे रहते हैं, इनको निकाल देना है। इसके कनेक्शन कैसे है, मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, पूरा जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, ये जो है पावर सप्लाई, यहाँ पर कंडेंसर पर 390 या 400 वोल्टेज करीबन आती है। यदि जब तक ये वोल्टेज नहीं आएंगे, तो ये सेट काम नहीं करेगा। इसको काम करने के लिए यहाँ पे अपन को 390 या 400 वोल्टेज करीबन चाहिए। वैसे सप्लाई जो बनती है अपनी, इस कंडेंसर पर जो सप्लाई आती है ब्रिज रेक्टिफायर से होती हुई, यहाँ पे आपको मिलते हैं 350 वोल्ट के करीबन मिलते हैं। ये मैंने लिख के रखा है, कितने वोल्ट कहाँ लगते हैं ये मैं इसके बारे में बताया है, इसमें पूर्णतः जानकारी दी गई है। अब सबसे पहले इसके वायरों के कनेक्शन के बारे में आपको बता दूं, फिर उसके बाद सिस्टमेटिक डायग्राम भी बताऊंगा। मैंने ये ब्लॉक डायग्राम बनाया है छोटा सा, कि आप लोगों की समझ में आ जाए। किसी भी LCD या LED TV में यदि PFC पावर सप्लाई ख़राब हो गई है, तो उसको कैसे लगाएंगे। और कभी कभी क्या होता है, ये MOSFET ख़राब हो जाते हैं। यदि ये MOSFET ख़राब होते हैं, तो AC फ्यूज जो लगा रहता है अपने मेन पावर सप्लाई में, ये लगा होता है यहाँ पर। देखिए, ये बार बार उड़ जाता है, लगाते अपन
तो ये बर्न हो जाता है, जल जाता है बार बार। इस कंडीशन में क्या करना है आपको, सबसे पहले तो इन दोनों को ओपन करना है, ठीक। और इसको ओपन कर, इसको ओपन करने के बावजूद भी कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर 390 वोल्टेज बता रहा है परंतु ये सप्लाई काम नहीं कर रही। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये PFC ऑसिलेटर जो है, IC लगी हुई है, ये एक वर्क करती रहती है जिससे कि ये यहाँ पर वोल्टेज बनते रहते हैं। जब तक ये आपको, ये भी आपको ये रिमूव करना है, निकालना है सेट में से, इसलिए इसको लगा रहेंगे तो अभी 390 वोल्ट बनेंगे, इसलिए इसको भी निकालना है आपको। इन दोनों मॉस्फेटों को निकालना है और यहाँ पर ये जो लगा हुआ है ये ऑक्टो कपलर जो है, इसको भी निकालना है, ठीक है। इन सबको निकाल के इसके बाद क्या होता है, ये जो अपना ट्रांसफार्मर जो है, ये भी मैंने बता दिया है कि आप मेंशन कर दिया है इसमें, ये ऑक्टो कपलर किसी किसी में 3 या 4 या 2 ऑक्टो कपलर लगे रहते, तो कौन सा कपलर पर कनेक्शन देना है, कैसे देना है, तो इसके बारे में मैंने बताया है। जो ये जो ऑसिलेटर सर्किट से जो यहाँ पर देखिए ये वायर जो जोड़ के आए हुए हैं या रेजिस्टेंस लग के ये आया है, इसी ऑक्टो कपलर को ही निकालना है, बाकी किसी और को नहीं निकालना है, और कोई से ऑक्टो कपलर को नहीं निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा ये यहाँ पर जो सप्लाई बनती है, यह 300 वोल्टेज करीबन बनते हैं, 300 साढ़े 300 वोल्ट करीबन बनते हैं, जो उसमें पीला वायर और लाल वायर वायर ये वायर और ये वाला वायर जो है पीला, ये दोनों वायर यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। उसके बाद ये जब रिमूव कर दिया तो इसके लिए, इसको काम करने के लिए ये जो IC लगी हुई है, PFC IC लगी हुई है, इस IC को वर्क करने के लिए यहाँ से ये देखिए 10 से 18 वोल्टेज करीबन जो देना पड़ते हैं वो ये जो है वाइट कलर का वायर है उस पर दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ये जो वायर देखिए, ये जो है ऑक्टो कपलर, इस कपलर को निकाल देना है। इसके कपलर के दूसरे छोर पर देखिए यहाँ पे एक हरा वायर लगा हुआ है, एक बैगनी वायर लगा हुआ है, तो इसमें देखिए ये हरा और बैगनी ये कपलर से ही आए हैं, देखिए ये वायर, ये कपलर लगा है, तो ये वायर निकाल देना है। इसमें भी ध्यान रखना है, एक नंबर पिन पर जो लगा है वो हरा वायर लगा है और 2 नंबर पर लगा जो है बैगनी वायर लगा हुआ है, बैगनी वायर लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ जो है एक ग्राउंड जो है, ये इसकी ग्राउंडिंग जो है, वहाँ पे मटमेला वायर जो आएगा आपका वहाँ लगाना है, यानी इसके कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर लगा रहना है और आपको ये यहाँ से पूरा रिमूव कर देना है, इसके यानी इस ट्रांसफार्मर के जो वायर है वो निकाल देना है, ये वायर पूरा ओपन कर देना है, यहाँ से भी ओपन करना है, यहाँ पर ये मटमेला वायर लगाना है, मटमेला वायर मीन्स ये है जो, ये मटमेला वायर है, ये लगाना है, ठीक है, इस कलर का वायर रहता है। उसके बाद आता है ये जो ग्राउंड, डायरेक्ट ग्राउंड करना है उनको, ये कत्था और काला, ये कत्था और काला कलर के वायर जो है उनको ग्राउंड कर देना है, और नीले कलर का जो वायर जो बचा हुआ अपना वायर जो है, ये नीले कलर का वायर है, ये जो आना है नीले कलर का वायर, ये जो अपन ने मॉस्फेट निकाले हैं वहाँ पर लगाना है ट्रांसफार्मर से, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर पर लगाना है, इसको तो रिमूव कर ही देना है दोनों मॉस्फेट को, इसके बाद इसको लगा देना। तो देखिए ये पूरे वायर मैंने लगा दिए हैं, इस तरीके से वायर लगा देंगे तो ये काम करने लगेगा। अब इसका सिस्टमेटिक डायग्राम आपको बताते हैं, ये इसका सिस्टमेटिक डायग्राम है, ये आप इसको स्क्रीन दे आते हैं, स्क्रीन शॉट लेके आप रख लें कभी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है आपको, इसमें ही मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। देखिए ये जो IC लगी है वो IC जो है, ठीक है, इसकी एक नंबर पिन जो है ये देखिए, यहाँ से इसको AC सप्लाई देते हैं, इसमें AC सप्लाई देने के बाद देखिए यहाँ से ये फिल्टर लगे हुए हैं, ये 2 फिल्टर लगे हैं और ये फ्यूज लगा हुआ है, इसके बाद से ये सप्लाई यहाँ पर आ जाती है। इसके पहले आप एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर देखिए ये अर्थिंग है और ये वायर जो यहाँ निकल गया है, ये भी अर्थिंग का है, याद रखिएगा, यहाँ पर ये PF लगा कर ये अलग से अर्थिंग निकाली गई, ये अर्थिंग जो है इसके आउटपुट जो सप्लाई की आउटपुट है वहाँ पर जुड़ा जाएगा, देखिए ये जुड़ा हुआ है, ये अर्थिंग वो है, सॉरी नहीं वहाँ नहीं जोड़ा जाएगा, ये अलग से निकाला जाएगा, अर्थ किया जाएगा, जो कि मेन जो अर्थिंग आती है अपनी AC से वहाँ पर जोड़ा जाएगा ये वायर, ठीक है। ये देखिए ये 2 वायर निकल गए, ये 2 वायर यहाँ से होती हुई ये आ गए ब्रिज पर, ये ब्रिज रेक्टिफायर है, यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा हुआ है,
यहाँ से ये पीएफसी एक कॉइल लगी हुई है, फिल्टर लगा हुआ है, और यहाँ से ये होता हुआ, देखिए ये डायोड लगाए गए हैं जो आपको पहचानने के लिए कि ये पीएफसी सप्लाई है कि नहीं। यहाँ पर देखिए ये डायोड लगे हुए हैं, ये डायोड के थ्रू ये वोल्टेज जो है यहाँ से होती हुई ये आए आपके, ये दो मैंने जो मॉस्फेट बताए हुए हैं ये मॉस्फेट है, ये जो ऑसिलेटर सेक्शन है ये पूरा ऑसिलेटर सेक्शन है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो अपन को ये रिमूव कर देना है, मैंने आपको बताया ये आईसी जो है इसको रिमूव कर देना। देखिए यहाँ पर ये सप्लाई आई है, मेन जो सप्लाई आई है ये वाली, यहाँ से ये सप्लाई निकाल देना है। यहाँ पर मेरे मैंने आपको बताया वाइट कलर का वायर जो है वो यहाँ पर लगाया जाएगा, और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो वायर बताया आपको मैंने, ये जो ये इस पे आएगा, ये नीला वायर लगेगा यहाँ पर इस साइड, और यहाँ से जो ये वायर आए हैं यहाँ पर, ये कैपेसिटर से, ये कैपेसिटर पर जो है यहाँ पर पीला और लाल वायर लगाया जाएगा, ठीक है। ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये कपलर, ये मैंने बताया जो कपलर कहाँ से आप पहचानोगे, एक कपलर ये भी लगा हुआ है, एक कपलर ये भी है, और हो सकता है एक दो नीचे और कपलर लगे हुए हैं। तो ये जो कपलर है अपना, देखिए ये इससे ऑसिलेटर से जुड़ा हुआ है, इस कपलर को ही रिमूव करना है, और रिमूव करने के बाद यहाँ पर एक नंबर पिन पर आपको हरा वायर लगाना है, और दो नंबर पिन पर जो है ना बैगनी वायर लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे इसके ये जो अपना ये है यहाँ पे, इससे देखिए एक पीएफ लगा रहना है, ये पीएफ लगा हुआ है, ये लगा ही रहना है, और यहाँ पर से ओपन कर देना है इसको। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर मटबेला वायर लगेगा, ठीक है, और इस साइड जो यहाँ पर लगेगा ये नीला वायर, इसको भी यहाँ से कट कर देना है, इस तरीके से इसको लगाएंगे। तो मेरा ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं यहीं पे ब्राउन देता हूँ इसको। नेक्स्ट मेरा जो वीडियो होगा वो पीएफसी डी सर्किट के बारे में बताऊंगा, इसके मालूम लग कैसे लगाया जाता है, उसमें लगा के ही बताऊंगा, प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। मैंने अभी थ्योरिकली तरीके से आपको बताया किस तरीके से लगाएंगे, किसी भी टीवी में लगा सकते हैं आप। अब इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, एक सप्लाई में इसको कंप्लीट करके बताऊंगा। आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is